गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद सिनोनिम्स. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटोनिम्स, व्हाट द एंटोनिम्स आर, एंड इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू विद सिनोनिम्स, व्हाट द सिनोनिम्स आर. सिनोनिम इज वर्ड दैट आर सेम इन मीनिंग. जिनके मीनिंग्स, जिनके जो मीनिंग्स हैं, मतलब है, वो एक जैसा होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? सिनोनिम. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल आपने वर्ड यूज़ किया होगा, आप हमेशा यूज़ करते होंगे या पढ़ा होगा. तो ब्यूटीफुल जो है उसको और वर्ड्स में भी हम बोल सकते हैं, जैसे अट्रैक्टिव, प्रेटी, लवली, स्टनिंग. तो इन सब का मीनिंग जो है वो क्या होता है? ब्यूटीफुल ही होता है, ठीक है. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब भी सुंदर होता है, आकर्षित, ठीक है. अगर इसका सेंटेंस अगर हम देखें तो किस तरह से बना है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी औरतें देखी हैं, सब में से तुम बहुत सुंदर हो. नेक्स्ट बच्चे, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लेने की यहाँ कोशिश की है जो आपने कभी ना कभी जो है वो सुने हैं, ठीक है. ऐसे वर्ड्स लेने की कोशिश की है मैंने जो आपने अपनी लाइफ में सुने हैं या पढ़े हैं. सेकंड है आपका फनी. फनी मींस ह्यूमरस, कॉमिकल, हिलेरियस, हिस्टोरिकल, ठीक है. फनी क्या है? मतलब मजाकिया, है ना, बहुत फ़नी. यू आर सो फ़नी, हम बोलते हैं यू आर सो फ़नी. तो सेंटेंस इसका क्या बनेंगे? माई अंकल इज़ द मोस्ट फ़नी पर्सन इन द फैमिली एंड व्हेन वी ऑल गेट टुगेदर दे ऑलवेज मेक अस लाफ. कि मेरे अंकल जी जो हैं वो हमारे पूरे परिवार में बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं, और जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो वो हमें बहुत हंसाते हैं. फ़नी लोग क्या कराते हैं? फ़नी लोग जो हैं वो खूब हंसाते हैं, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे हमें बहुत हंसी आएगी. नाउ थर्ड इज़ हैप्पी. हैप्पी है कंटेंट, जॉयफुल, मर्थफुल, अपबीट. ये सारे इसके मीनिंग्स हैं. इस वर्ड का हम सेंटेंस कैसे देखेंगे? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस लाइफ इज़ टू बी हैप्पी. कि मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? खुश रहना, है ना. नेक्स्ट है आपका ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट को हम और क्या बोलेंगे? ऑनरेबल, फेयर, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी. ये सब वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं? सेम है जो ऑनेस्ट का होता है. तो सेंटेंस क्या बनेगा? बीइंग ऑनेस्ट शुड बी वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स. कि ईमानदार रहना ही हमारे चरित्र का लक्ष्य होना चाहिए. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट आपने कई बार सुना होगा ना कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, या बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, है ना. आप ये शब्द यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये शब्द का और कौन कौन से हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, वो आप देखिए. ये है रिक्वायर्ड, विटल, एसेंशियल, प्राइमरी, सिग्निफिकेंट, क्रिटिकल. और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? वी नीड टू टॉक टू यू अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट इशू इमीडिएटली, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट. आपके क्लास में भी कोई ना कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है ना. वैसे तो देखो सारे इंटेलिजेंट होते हैं, भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं आता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे है. इंटेलिजेंट वो क्यों होता है? क्योंकि वो कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम करने की जो कोशिश करते हैं. अगर आप कोशिश करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है. वही सबसे टफ काम होता है, क्यों, ठीक है ना. तो इंटेलिजेंट को हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प. और सेंटेंस क्या बनेगा इसका? वी ऑल नो दैट यू हैव यूनिक इंटेलिजेंस. हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत तरह की, मतलब एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है. नेक्स्ट है लकी.
है ना। ये हम लोग कई बार आपस में बात करते करते यूज़ करते हैं शब्द, हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यार बहुत लकी है वो, है ना, पता है नहीं इसका मीनिंग क्या होगा लेकिन बहुत लकी है यार। तो इसको हम और वर्ड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट, और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ लकी यू आर यू वन दिस गेम, कि तुम कितने किस्मत वाले हो कि ये गेम जो तुमने जीत लिया। नेक्स्ट है आपका ओल्ड। ओल्ड होता है पुराना, है ना, पुराना, तो इसके क्या सिनोनिम्स होंगे, एंटिक्वेटेड, एंशियंट, एब्सोल्यूट, एक्सटिंक्ट, और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, टुडे वी विल विजिट ओल्ड आंट्स, कि आज हम जो पुरानी आंट मतलब बूढ़ी है, यहाँ पे क्या है, बूढ़ा, बूढ़ी आंटी के घर जाएंगे। ठीक है, नाउ नाइन्थ वन इज स्ट्रांग। स्ट्रांग इसका क्या सिनोनिम्स हैं, स्टेबल, सिक्योर, सॉलिड, टफ, और सेंटेंस क्या बनेगा, वी सॉ दैट ही वॉज अ स्ट्रांग मैन दिस मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज टू आंसर। टू आंसर का क्या मतलब हो जाएगा, टू रिप्लाई, टू गिव द रिप्लाई, और सेंटेंस क्या होगा, प्लीज गिव मी एन अर्जेंट आंसर, कि मुझे बहुत ज़रूरी जवाब दीजिए इसका। नेक्स्ट है टू क्लोज। टू क्लोज मीन्स टू शट, प्लीज स्टे अ लिटिल क्लोज टू मी, कि कृपया थोड़ा सा मेरे नज़दीक ही रहना, है ना, या फिर क्लोज योर आइज, शट योर आइज, है, दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंडली। फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स वॉर्म, इंटीमेट, कॉर्डियल, जेन्युइन, कैंडिड, और इसका सेंटेंस क्या है, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज आर फ्रेंडली इन नेचर। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो फेमिलियर वर्ड्स थे आपके, मतलब आपके जाने पहचाने वर्ड्स थे, उनके मैंने कोशिश की है सिनोनिम्स देने की, सिनोनिम्स को इस तरह से समझाने की कि इन शब्दों को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये शब्द का मीनिंग जो है इन शब्दों से भी वही मीनिंग आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही आपके पास, आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, वो एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, और अपने टीचर्स को सेंड करनी है। ठीक है, और जो वर्ड्स सिनोनिम बन रहे हैं उन सिनोनिम्स के आपने सेंटेंस बनाने हैं जिस तरह से मैंने आपको यहाँ दिए हैं, दैट इज़ योर एक्टिविटी। ठीक है, वो आपकी एक्टिविटी है कि जो सेंटेंस, जो वर्ड्स मैं इसमें देखेंगे, हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज है। इस ये बॉक्स अगर आप देख रहे होंगे तो इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बिलो ग्लैड, इल, हिलेरियस, प्रेजेंट, प्राइज, ब्राइट, एरर, थीफ, प्लम, ब्लेंड, क्लीन, एक्वा। ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, और हर सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड है, एक ऐसा शब्द जिसको अंडरलाइन किया गया है, तो उस अंडरलाइन शब्द का आपने सेम मीनिंग वाला जो है वो सिनोनिम जिसको हम कहते हैं, वो आपने यहाँ पर आगे ब्लैंक दिया हुआ है ना, इस ब्लैंक में आपने लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल, जैसे हिज अंकल बॉट अ बर्थडे गिफ्ट रैप्ड इन रेड पेपर, कि उसके अंकल ने बर्थडे गिफ्ट खरीदा जो कि लाल पेपर में लिपटा हुआ था। तो अभी गिफ्ट, गिफ्ट को अंडरलाइन किया हुआ, तो गिफ्ट का आपने ऊपर बॉक्स में से सिनोनिम ढूंढना है। जैसे हम ढूंढेंगे, ये है आपका प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट देना हमने, कि बर्थडे होता है हमने प्रेजेंट देना है, तो प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट। इस तरह से पूरे आपके पास 12 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं इनके सिनोनिम्स आपको बॉक्स में दिए हैं, वो आपने करने हैं। ठीक है, अगेन आई विल रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टीचर्स टू प्लीज़ हेल्प स्टूडेंट्स इन डूइंग दिस एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।